अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, जायकेदार रेसिपी में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाएंगे कुछ हटके रेसिपी। मटर और फ्लावर तो आप लोगों ने बहुत से खाए होंगे, पराठे बनाकर, ग्रेवी बनाकर, भाजी बनाकर, लेकिन आज हम बनाएंगे इसके पकोड़े। आइए देखते हैं किस तरीके से बनाया जाता है। सबसे पहले कढ़ाई में मैं डालूँगी थोड़ा सा तेल। तेल हमें एकदम थोड़ा ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। अभी मैं इसमें डालूंगी एक बाटी फ्लावर, इसको मैंने बारीक बारीक काट दी हूँ, वो इसमें डाल दूंगी। अभी इसको 2 मिनट तक के भूनूंगी ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। 2 मिनट भूनने के बाद अभी मैं इसमें डालूंगी हरा मटर एक बाटी और इसको भी 2-3 मिनट तक के भूनूंगी। दो मिनट भूनने के बाद में मैं इसको अभी मैश करूंगी। इस तरीके से हमें मटर खाली फूटने तक के ही करना है। देखिए मैश कर हो चुका है। हमें एकदम बारीक नहीं चाहिए, ऐसे ही जाड़ा जाड़ा चाहिए। अभी मैं गैस को बंद कर दूंगी। मटर और फ्लावर को मैंने एक बाउल में ले ली हूँ। अभी मैं इसमें डालूंगी एक बारीक कटे हुए प्याज, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची। अभी मैं इसमें डालूंगी 1 बाटी बेसन, थोड़ी सी बारीक कटी हुई कोथमीर, 1 चम्मच अक्खी धनिया, 1 चम्मच जीरा, नमक स्वाद के हिसाब से, 1/4 चम्मच खाने का सोडा। अभी मैं ये सारी चीज़ को मिक्स कर लूँगी और थोड़ा सा पानी डालकर इसको अच्छे से मिक्स करूंगी। देखिए एकदम अच्छे से ये मिक्स हो चुका है। हमें ऐसे ही बैटर चाहिए था। अभी हम इसे फ्राई करेंगे। देखिए कढ़ाई में मैंने तेल डालकर गर्म होने के लिए पहले से ही रख दी थी। तेल गर्म हो चुका है, अब हम पकौड़े तल लेंगे। ये पकोड़े खाने में बहुत मज़ेदार, बहुत टेस्टी होते हैं। आप ज़रूर इसमें इसको ट्राई करना। अभी हम इसको चारों तरफ से लाल होने तक के फ्राई करेंगे। चम्मच से हमें पलट पलट कर लाल करना है। देखिए चारों तरफ से लाल हो चुके हैं। अभी हम इसको निकाल लेंगे। इसी तरह हम सारे पकौड़ों को तल लेंगे। माशाल्लाह मटर और फ्लावर के पकौड़े बनकर तैयार हो चुके हैं। वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जरूर बताना मटर और फ्लावर के पकौड़े कैसे बने। अल्लाह हाफिज़।